नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेसन में हमने मुख्य मुख्य जातिवर्त वर्गीकरण का अध्ययन कर लिया था और अंतिम जो कार्य अचिंसन का था उसको हमने पढ़ा था। उसके आगे कुछ एमिनेंट बॉटनिस्ट ने अपनी वर्गीकरण पद्धतियां प्रकाशित की, उसका अध्ययन हम यहाँ पर देखेंगे। यद्यपि ये जो वर्गीकरण है वो बहुत विस्तार पूर्वक दिए गए हैं, लेकिन हम संक्षिप्त में इनके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, जिससे हमें ये ध्यान रहे कि किस प्रकार से हमारा फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण आगे बढ़ा। सबसे पहले अचिंसन के बाद में जो बॉटनिस्ट का नाम आता है वो हैं अरमन तख्ताजान। ये बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस लेनिनग्राद से संबंधित थे। इन्होंने पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन रशियन भाषा में 1954 में किया था। इसके पश्चात इसका इंग्लिश एडिशन इन्होंने 1969 में प्रस्तुत किया, फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल नामक टाइटल के साथ। इसके पश्चात इनका नया जो रूप है वह बॉटनिकल रिव्यू में 1980 में प्रकाशित हुआ। तख्ताजान के अनुसार एंजियोस्पर्म्स मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, जो कि कुछ पुरातन जिम्नोस्पर्म के समूह से विकसित हुए हैं। इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा माना और इनको दो क्लास में विभक्त किया, मैग्नोलियोप्सिडा अर्थात डाइकोटिलीडन्स और लिलियोप्सिडा अर्थात मोनोकोटिलीडन्स। उसके पश्चात आर्थर क्रनक्विस्ट का उल्लेख आता है। इन्होंने अपना एक विस्तृत वर्गीकरण आवर्तबीजी पादपों के वर्गीकरण के नाम से 1968 में प्रस्तुत किया, द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से, जिसका लास्ट वर्जन 1981 में एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से प्रकाशित हुआ। क्रनक्विस्ट ने बीजीय पादपों से यानी टेरिडोफाइट से आवर्तबीजी पादपों का विकास माना है। इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा में विभक्त किया। मैग्नोलियोप्सिडा जो कि डाइकोटिलीडन्स के समकक्ष है, इसमें इन्होंने 64 ऑर्डर, 318 फैमिलीज और लगभग 1,65,000 जातियों का समावेश किया, जबकि लिलियोप्सिडा में जो कि मोनोकोटिलीडन्स के समकक्ष हैं उसमें 19 ऑर्डर, 65 फैमिलीज और 50,000 जातियों का समावेश किया। क्रनक्विस्ट के पश्चात डेलग्रेन का वर्गीकरण अस्तित्व में आया। इन्होंने एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन की नई पद्धति विकसित की, जिसका प्रकाशन 1975 में बॉटनिसी नोटिसर में प्रकाशित करवाया और रिवाइज और इम्प्रूव्ड वर्जन इन्होंने 1980 में बॉटनिकल जर्नल ऑफ लीनियन सोसाइटी में तथा 1981 में फाइटोकेमिस्ट्री एंड एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी में तथा 1983 में नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित करवाया। इन्होंने आवर्तबीजी पादपों को मोनोफाइलेटिक ग्रुप माना तथा इन्होंने क्लास मैग्नोलियोप्सिडा अर्थात एंजियोस्पर्म्स को दो सब क्लास में विभक्त किया, मैग्नोलिडी अर्थात डाइकोटिलीडन्स और लिलीडी अर्थात मोनोकोटिलीडन्स। उसके पश्चात रॉबर्ट थोर्ने का सहयोग
वर्गीकी के इतिहास में मिला। इन्होंने पादप के वर्गीकरण की एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम विकसित की और जिसका प्रकाशन 1980 में एलिसो में प्रकाशित कराया तथा रिवाइज और एनलार्ज आउटलाइन 1981 में फाइटोकेमिस्ट्री एंड एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी में तथा 1983 में नॉर्डियक जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित करवाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेलग्रेन के समकक्ष इनका वर्गीकरण अस्तित्व में आया। थोर्ने ने उच्च पुष्पीय पादपों के अंतर्गत पाई जाने वाली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर अत्यधिक ध्यान दिया। इन्होंने एंजियोस्पर्म को एनोनोप्सिडा नाम प्रदत्त किया तथा इसको दो सब फैमिलीज में एनोनिडी अर्थात डाइकोटिलीडन्स और लिलीडी अर्थात मोनोकोटिलीडन्स में विभक्त किया। थोर्ने ने एनोनिडी को जो डाइकोटिलीडन्स के लिए प्रयुक्त थी उसमें 19 सुपर ऑर्डर्स, 41 ऑर्डर्स, 56 सब ऑर्डर्स, 297 फैमिलीज, 350 सब फैमिलीज, 9,640 जेंद्रा तथा 173,370 जातियों को समावेश किया। ठीक इसी प्रकार लिलीडी में जो कि मोनोकोटिलीडन्स के समकक्ष है उसमें 9 सुपर ऑर्डर्स, 12 ऑर्डर्स, 17 सब ऑर्डर्स, 53 फैमिलीज, 102 सब फैमिलीज तथा 2,615 जेंद्रा एवं 52,120 जातियों का समावेश किया। इस प्रकार एक बहुत बड़ा जो है वो वर्ध वर्गीकरण थोर्ने ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम अस्तित्व में आया। यहाँ एपीजी का तात्पर्य है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, अर्थात जातिवर्त वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का समूह जो वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए क्लेडिस्टिक एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंसेस, मॉलिकुलर एविडेंसेस आदि आदि को प्रयुक्त करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें एपीजी फर्स्ट क्लासिफिकेशन 1988 में अस्तित्व में आया, लेकिन यहाँ पर ये कुछ समय पश्चात ही एपीजी सेकंड 2003 में परिवर्तित कर दिया गया। इसी क्रम में एपीजी थर्ड क्लासिफिकेशन 2009 में तथा वर्तमान में एपीजी फोर्थ क्लासिफिकेशन 2016 में दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि थियोफ्रस्टस से जहां प्राकृतिक आधार पर वर्गीकरण दिए गए, धीरे धीरे यहां पर फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण की एक श्रृंखला के पश्चात एपीजी ग्रुप जो कि और अधिक लक्षणों का समावेश जैसे क्लेडिस्टिक एनालिसिस, मॉलिकुलर एविडेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस आदि आदि को लेकर के वर्गीकरण प्रस्तुत करने की परंपरा चली और वर्तमान में एपीजी फोर्थ वर्गीकरण पद्धति आईसीबीएन के द्वारा मान्य की गई है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इतिहास वर्गीकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त किया गया। हम प्री डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन के सभी वर्गीकरण पद्धतियों का संक्षिप्त में यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं और इस चैप्टर का यहाँ पर हम समापन करते हैं। धन्यवाद।